नंदनी गुरुंग और आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूँ देहरादून स्थित गांधी पार्क पर। जैसा मैं पीछे तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पे यूकेटी क्रांति दल के जो लोग हैं वो आज दोबारा धरने में आ बैठे हैं। तो चलो देखते हैं क्या कुछ मुद्दे को लेकर वो धरने में बैठे हैं। आइए मेरे साथ देखते हैं। मैंने दूसरा मामला समझाया, हमारे साथ अभी मौजूद है मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवार, उनसे भी बात करेंगे कि आज उनकी जो पूरी टीम है यहाँ धरने पर क्या कुछ मुद्दों को लेकर बैठी है। जी सर, आप मुझे साफ साफ बताइए कि दोबारा आज आप धरना के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, तो बताइए क्या कुछ मुद्दा आपका। ये सचिवालय कॉलोनी के नाम पर कुछ भू माफिया कब्रिस्तान की जमीन को कब्जा रहे हैं, बड़े पैमाने पे वहाँ से रास्ता निकाल रहे हैं और उन्होंने अवैध कॉलोनी वहाँ पे बसाई हुई है जिसके लिए कोई रास्ता नहीं था। अब इसको जबरन जो है स्थानीय लोगों की साथ उनका दमन करके वो रास्ता बनाया जा रहा है वहाँ पर से, उस पर स्थानीय लोगों की भी जमीन है उस पर कब्जाई जा रही है और इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग, आईएएस पीसीएस सचिवालय के लोग, उसमें सब लोग मिले हुए हैं, सभी के उसमें प्लॉट में। तो जब इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, पुलिस प्रशासन इनका दमन कर रहा है, तो उसी दमन के खिलाफ आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हमारा साफ अल्टीमेटम है, ऐलान है कि हम लोग किसी भी कीमत पर कब्रिस्तान की 1 इंच भूमि भी जो है इन लोगों को कब्जाने नहीं दी। सर, जैसे आप बोल रहे हैं कि वो जो कब्जा कर रहे हैं जमीन पर, सर आपको कैसा क्या लगता है कि सच में वो हो सकता है या फिर वो कुछ उड़ते उड़ते खबर आ रही है? हमारे पास इसके पुख्ता डॉक्यूमेंट हैं और आपको पता है कि मैं मीडिया कर्मी भी रह चुका हूँ, हमने उनके सारे डॉक्यूमेंट निकाले हैं, उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। अब आप लगा लीजिए कि एक कॉलोनी, हाउसिंग कॉलोनी कैसे पास हो सकती है जबकि उस कॉलोनी में जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, कोई रास्ता अलॉट नहीं है। किस तरीके से एमडीडीए के अधिकारियों ने उसे पास किया, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, उन सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस प्रशासन जबरन जो जिम्मेदार लोग हैं अवैध कॉलोनी बसाने के उन पे कार्रवाई करने के बजाय जो स्थानीय लोग हैं जो अपना कब्रिस्तान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं उल्टा उनका दमन कर रहा है, उन पे हमले कर रहा है, उनके हाथ पांव तोड़ दिए इन लोगों ने और इनकी कहीं रिपोर्ट तक नहीं लिखी जा रही है। ये जबरन, ये दमन है और हम लोग इस दमन के खिलाफ हैं, हम हर हद तक हर हाल में इसका विरोध करेंगे। जी सर, धन्यवाद। मैम, जैसे अभी सर ने बताया कि वहाँ पे जबरदस्ती लोगों को जमीन हड़प रहे हैं, जी आगे क्या सोचा है आपने? मतलब फिर भी सरकार नहीं सुनेगी? देखिए, वैसे तो न्यायालय ही होते हैं लेकिन सड़कों पे अपने अधिकार के लिए, अपनी आवाज़ के लिए उठाना होता है, तो हमें सेमवाल जी ने सजेशन दिया कि आप लोग सड़कों पर आए। जैसे आप लोगों को दबाया जा रहा है क्योंकि मारपीट करके उन पर मुकदमे लगा दिए जाते हैं, तो जो आदमी उठते हैं वो डर जाते हैं क्योंकि उसमें प्रशासन की मिलीभगत है, प्रशासन के उनके उनमें प्लॉट है, इसलिए प्रशासन का उनका पूरा सहयोग है। तो जो उनका सहयोग है, हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो क्योंकि वे लोग इस तरह से गलत काम क्यों कर रहे हैं। पूरे गाँव वाले सीधे साधे हैं, भोले भाले, उनको अपने हक अधिकार का नहीं मालूम है, हमें अपना हक अधिकार मालूम है, हमें हाईकोर्ट, हमें सुप्रीम कोर्ट, हमें जहाँ तक जाना होगा हम इसके लिए ज़रूर आएंगे, अपने कब्रिस्तान बचाने के लिए हमें जो भी करना होगा हम जरूर करेंगे। मैं वहाँ के स्थानीय लोग कब से ये परेशानी को झेल रहे हैं? जब से ये वसीम जेदीहर वहाँ पर आए हैं, क्योंकि वे लोग अपनी कॉलोनी के लिए कभी लोगों को खेती नहीं करने देते, कभी वहाँ के लोगों को मारते हैं, कभी वहाँ के रास्ते बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आते हैं, पुलिस वालों को लेकर आते हैं, फिर पुलिस वाले उन पर लाठीचार्ज करती हैं। तो सर, ये काफ़ी टाइम, मैडम ये काफ़ी टाइम से ये लोग इस जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है यूकेडी के केंद्र प्रवक्ता अनुपम खत्री जी, हम इनसे पूछेंगे क्या कुछ मुद्दों को लेकर उनकी जो टीम है दोबारा धरने में आके बैठी है और अगर सरकार आगे इनकी सुनवाई नहीं करेगी तो वो आगे क्या कुछ कदम उठाएंगे। धन्यवाद आपका। देखिए, मुद्दा तो बस एक ही है कि उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड हासिल किया था, तो अब उत्तराखंड के नई जनरेशन इसी अपने क्षेत्रीय दल के साथ खड़े होकर अब उत्तराखंड के सही स्वरूप को साकार करने के प्रयास में, हमारा एकमात्र उद्देश्य और लक्ष्य है उत्तराखंडियत, हम अपनी उत्तराखंडियत को बचाने आए हैं।
हम किसी भी प्रकार के अपराध या अपराध को संरक्षण देने वाली सरकार के साथ बिल्कुल नहीं है। उत्तराखंड इसलिए नहीं लिया गया था कि 22 सालों के बाद हमें ऐसे परिणाम सामने आए कि कहीं बेटियां उजड़ जाएं, कहीं ज़मीनें उजड़ जाएं, कहीं परिवार उजड़ जाएं। तो उत्तराखंड क्रांति दल तो अपने इसी उद्देश्य के साथ अपने शीर्ष नेतृत्व के आदेशों से अब यहाँ पर मैदान में। सर, अगर आगे सरकार सुनवाई नहीं करेगी तो आगे क्या कदम उठाने का सोचा है? देखिए, हम लोग तो निर्णायक युद्ध लड़ते हैं, सुनने वाला कब तक नहीं सुनेगा, सुनाने के हजार तरीके हैं। हमारे पास सबसे पहली बात साक्ष्य है। आज जिस मसले पे आज हम यहाँ गांधी पार्क में हैं, वैसे तो आपने बहुत जानकारी ले ली होंगी, मैं आपको बताऊँ, ये मुस्लिम बस्ती के लोग हैं जहाँ पे 19.5 बीघा का एक कब्रिस्तान दिया गया था समाज के लिए शासन के द्वारा। बाकायदा मुख्यमंत्री जो पूर्व हरीश रावत जी हैं कांग्रेस के, उन्होंने इसका शिलान्यास भी किया था। और अब हाल में एक विचित्र घटना घटती है कि पुष्कर सिंह धामी की मौखिक घोषणा आती है कि भाई यहाँ पे रोड बनाई जाए। उस मौखिक घोषणा के आधार पे MDDA कार्रवाई करनी शुरू कर देता है, सड़क की परमिशन दे देता है, क्योंकि ये MDDA के अधीन है ज़मीन। लेकिन जिस शासनादेश के थ्रू ये अधीन है उसमें ये साफ लिखा गया है कि कब्रिस्तान की भूमि को छोड़कर। तो मैं MDDA को भी आपके चैनल के माध्यम से जताना चाहता हूँ, और जो पूर्व VC रहे ब्रिजेश संत जी, जिनके कार्यकाल में ये आदेश पारित हुए हैं, उन्होंने शायद ये शासनादेश सही से पढ़ा नहीं। तो ये जो मामला है सारा, ये एक बंद बस्ती जिसका रास्ता ही नहीं था, उसे हमारे ही उत्तराखंड के लोगों को जो सचिवालय में नौकरी कर रहे हैं, पुलिस विभाग में हैं, उन लोगों को प्लॉट बेचे गए हैं, वहाँ अब उन लोगों के प्लॉट हैं। और अब सारे लोग मिलके इस भ्रष्टाचार में उन बिजनौरियों की मदद कर रहे हैं। पपने जैसे यहाँ सचिवालय संघ में पूर्व में रहे अध्यक्ष उन बिजनौरियों की मदद कर रहे हैं जो हमारी ही ज़मीनों को खाकर हमारा ही पैसा डका रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेके जब हमारी दृष्टि इस तरफ गई तो हमने ये तय किया कि उत्तराखंड क्रांति दल इन लोगों की मदद करने जरूर उतरेगा, और आज हम इस मैदान में। तो जैसा आपने देखा कि UKT पार्टी के जो लोग हैं उनका साफ साफ कहना ये है कि जो कब्रिस्तान है वहाँ पर सचिवालय द्वारा अवैध तरीके से कार्य चल रहा है, और साथ ही साथ जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको भी परेशानियों का काफ़ी सामना करना पड़ रहा है। अब देखना हमें ये होगा कि सरकार क्या कुछ सुनवाई करती है और आगे क्या कुछ करती है। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं नंदनी गुरु, धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।